इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशालता श्रीमान सुनेंद्र भूपाल सोलनकुरे कुंडल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, श्री 1008 तीर्थराज दिगंबर जैन सिद्ध अतिश्य क्षेत्र कुंडल तहसील पलूस जिला सांगली महाराष्ट्र में 22 से 26 जनवरी के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 बहुवली महाराज के मंगल आशीर्वाद से चतुर्मुख मान स्तंभ एवं समवचरण जिनबिम पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठा महोत्सव के मांगलिक कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री 108 जिन सेन जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुलभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभम कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य 105 करुणामती माता जी के पावन सानिध्य और परम पूज्य लक्ष्मीसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी कोल्हापुर मठ के अधीन नेतृत्व में सानंद संपन्न हुए, जिनमें श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर अपने जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 25 जनवरी को मनाए गए केवल ज्ञान कल्याणक एवं रथोत्सव की विशेष झलकियां। श्री 1008 तीर्थराज दिगंबर जैन सिद्ध अतिश्य क्षेत्र कुंडल तहसील पलूस जिला सांगली महाराष्ट्र में 22 से 26 जनवरी 2023 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 बहुवली महाराज के मंगल आशीर्वाद से चतुर्मुख मान स्तंभ एवं समवचरण जिनबिम पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 जिनसेन जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुलभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभम कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य 105 करुणामती माता जी के पावन सानिध्य और परम पूज्य लक्ष्मीसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी कोल्हापुर मठ के अधीन नेतृत्व में अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठा शिरोमणि पंडित श्री अजित कुमार नाभिराज उपाध्याय के निर्देशन में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर पुण्यार्जन किया। महामहोत्सव में 25 जनवरी को केवल ज्ञान कल्याणक एवं रथोत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पूज्य गुरुवरों के वर्धहस्त से जिन बिंबों की अंक संस्कार क्रियाएं संपन्न की गयी। ओम रीम अरहम श्रीम तथा गुद्वारावृति गुह्य भागी। ओम रीम अरहम श्रीम ब। ओम रीम अरहम श्रीम य तसत लिंगावृति। ओम रीम अरहम श्रीम य। ओम रीम अरहम श्रीम। इसके पश्चात महामहोत्सव के पात्रों ने हाथियों के साथ मंगल वाद्य घोष किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने आए अतिथि गणों को महोत्सव समिति द्वारा सम्मानित किया गया। केवल्य ज्ञान कल्याणक के दिन महामुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी जी की आहार दान विधि संपन्न कराई गई। पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने नवदा भक्ति पूर्वक भगवान का पड़गहन कर आहार दान किया। धन्य भाग है आज हमारे गुरुवर मेरे द्वार पधारे करुणा सागर धर्म जैन धर्म के है रखवारे जैन धर्म के है रखवारे। घर घर मंगल दीप जलाओ द्वारे बंदन बार सजाओ घर घर मंगल
दीप जलाओ, द्वारे बंदन बार सजाओ, बेश दिगंबर थारी गुरु। आहार विधि संपन्न होने के पश्चात भक्तगण भक्ति भाव पूर्वक महामुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी जी को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए, जहां श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संगीतमय आराधना के साथ प्रभु का पंचामृत अभिषेक किया गया। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर। चनकाभिषेकम करोमि स्वाहा। सागर महादुख सागर में मृग रोते खाते आया हूँ, अब आत्मस्वाद को पाने को इस चनक की धारा देता हूँ। ओम ब्रीम श्री त्रैलोक्यनाथ स्वामिना पवित्रतर चनकाभिषेकम अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति धाराय दिव्य परि पुष्पांजलि क्षिपेत। शर्कराभिषेक मधुर मधुर संयुक्त शर्करा पृष्ट रूप मनाए, श्वेत मेघ के मध्य सूर्य समझन प्रतिमा मन भाए। सुख आनंद भक्तों ने जहां भक्ति भाव पूर्वक श्री जी का पंचामृत अभिषेक किया, तो वहीं विश्व शांति के निमित्त मंत्र उच्चारण के साथ श्री जी की महाशांति धारा की गई। प्रभु की शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने नव देवता 24 तीर्थंकर माँ जिनवाड़ी गणधर परमेष्ठी इत्यादि के निमित्त श्री जी के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित किए। खास बात ये रही कि महोत्सव समिति ने कार्यक्रम में आमंत्रित सभी अतिथियों को चंदन तिलक एवं धर्म पट्टुका पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया। साथ ही सम्मानित महानुभावों ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। आज आपला पंचकल्याण महोत्सव निमित्ताने पुणे पदवीधर मतदार संघाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय अरुणण्णा लाड तसेच क्रांती सहकारी सरकारचे चेअरमन अरुणण्णा लाड, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक कुस्ती कमिटीचे उपाध्यक्ष हिम्मतराव बापा, सत्येश्वर सहकारी पाणीपुरवठ्याचे चेअरमन अशोकदादा पवार, बसवेश्वर पाणीपुरवठ्याचे चेअरमन हिमंतराव लाड तसेच श्रीमंत मामा या ठिकाणी उपस्थित झाले। तसेच कुंडल विकास सोसायटीचे माजी चेअरमन दिनकर काकांना आपल्या पंचकल्याण महोत्सवानिमित्त पूजेसाठी आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत। प्रथम मी आपल्या ट्रस्टच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करीत आहे।
मला वाटतं सद्गुरूंचं दर्शन झालं, महाराजांचं दर्शन झालं. आज गणपती जयंती आहे, गणपतींचा जन्मदिवस आहे. हा आज दिवस खूप मोठा योगानं माझ्या खुशी झालेला आहे. सात दिवस पालन सोहळ्याचे आज प्रमुख इथे सगळे जपलेले आणि तुमचा कार्यक्रम नक्कीच चालवलेले आहे. आणि तुमचा समाज असा आहे की कष्टाळो कुठं असेल त्याचं कष्ट, शेतीत कष्ट असतंय, उद्योगांचं कष्ट असतंय, आम्ही बघत असतोय. जो जैन समाजाने जे जे चालू केले, उत्पादित केले किंवा काढलेले आहे, त्यात ते कुठं कमी पडले. सामान्यपणे माणसाचं जीवन कधी सफल होत, बालपणी ज्ञानार्जन करावं, बालपणी ज्ञानार्जन करावं, तरुणपणी अर्थार्जन करावं आणि वृद्धपणी पुण्यार्जन करावं. हे ज्या वेळेला घडतं त्यावेळी सामान्यपणे माणसाचं दर्शन जीवन सुखाचं होतं. आता काही लोक म्हणतात मंदिरकडे चला म्हटल्यानंतर हे काय आमचं वय आहे काय, मंदिरकडे यायला वयाची अपेक्षा अट वगैरे काही नाही. 55 और 55 दोन्ही वेळेला कायमसाठी धर्म हा केलाच पाहिजे. आणि पंचकलन कुठलीही कार्यक्रम असला तर माझ्याकडून चुकत नाही, म्हणजे वाटतं जिल्ह्याचा कार्यक्रम कुठं चुकत नाही, मी प्रत्येक कार्यक्रमाला जात असतो. त्यामुळं निश्चितच मला समजलं की असे पूजे आहे. काल लोकांची माझ्याकडे इन्व्हिटेशन घेऊन आणि कालानंतर मी म्हटलं निश्चितच मी पलुसला आहे, मी निश्चितच पूजेला येईन, दर्शन घ्यायला येईन सगळ्यांचं. आणि महाराजांचं दर्शन झालं एक आहे की सद्गुरूंची कृपा असल्यानंतर आपल्याला किती अनुभव मोठे मिळतात हे आपल्या जीवनात आपण हे भक्तजन ते अनुभवतात की सद्गुरू ह्या कलियुगामध्ये सद्गुरू हा असलाच पाहिजे, सद्गुरूशिवाय मार्ग नाही. तर ह्या दृष्टिकोनातून आज हा मोठा एक कार्यक्रम इथं आयोजित केलेला आहे. सर्व भक्तांना ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शुभेच्छा देतो मी आणि आपल्यालाही सर्वांना शुभेच्छा देतो. भगवान पार्श्वनाथ जी को केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही कार्यक्रम स्थल पर दिव्य समक्षरण की रचना की गई, जिसके मध्य चतुर्मुख रूप से भगवान पार्श्वनाथ जी विराजमान हुए. इस दौरान भगवान के समक्षरण की भक्तों ने पूजा आराधना भी की. प्रभु के समक्षरण के मध्य गणधर परमेष्टि के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री 108 जिनसेन जी महाराज के संग सहित विराजमान होते ही दिव्य ध्वनि श्रवण करने के लिए चारों निकाय के देवों का आगमन हुआ. साथ ही भक्तों ने प्रभु के केवल्य ज्ञान कल्याणक का पूजन किया. तत्पश्चात पूज्य श्री के मुख से दिव्य ध्वनि खिरी, जिसे श्रवण कर भक्तगण धन्य हुए. जय हो, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. हे कृपा सिंधु त्रिलोकीनाथ, भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर जी, आपणास माझा साष्टांग नमस्कार. एक प्रश्न असा उद्भवलेला आहे की श्रावकांचे जे 6 आवश्यक क्रिया आहेत त्या क्रिया कोणकोणत्या आहेत याचं निरूपण कंदूर करावं. जय हो. श्रावकांचे 6 आवश्यक क्रिया देवपूजा, कुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, हे श्रावकाचे आवश्यक क्रिया आहेत.
दिव्य ध्वनि के पश्चात भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक तीर्थंकर प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का पूजन किया। ओम ह्रीं फाल्गुण कृष्ण षष्ठम्यां फाल्गुण कृष्ण सप्तम्यां चंद्र प्रभाजनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यं निरोपामि ते। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल अर्घ्यं निरोपामि ते। सायकाल में हाथी घोड़े एवं रथों के साथ श्री विहार रथोत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक भाग लेकर पुण्य अर्जित किया। को देखा आपने श्री 1008 तीर्थराज दिगंबर जैन सिद्ध अतिश क्षेत्र कुंडल तहसील पलूस जिला सांगली महाराष्ट्र में 22 से 26 जनवरी 2023 तक आयोजित हुए चतुर्मुख मान स्तंभ एवं समवशरण जिनबिम पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में चौथे दिन कितने भक्ति भाव पूर्वक तीर्थंकर प्रभु का केवल्य ज्ञान कल्याणक एवं रथोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। दर्शकों, उस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय पर फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मोक्ष कल्याणक प्रसंग के साथ। दर्शकों, जाने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी में हो रहे 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के पॉपुलर डिमांड पर जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सर्वेद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की डेट फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से जिन्होंने अभी तक अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है, उनके लिए ये वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर आप बिना कोई समय गवाए अपना ऑडिशन वीडियो तुरंत में भेजें। आप अपनी एंट्री हमें जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी आवाज को पहचान दिलाने के साथ साथ सुर विद्या का ये दूसरा सीजन आपको दे रहा है एक चमचमाती लग्जीरियस ब्रांड न्यू कार, लाखों की धनराशि और सोने चांदी के अनलिमिटेड गिफ्ट जीतने का एक सुनहरा मौका भी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। तो आप वीडियो भेजने की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती आशा लता, श्रीमान सुनेंद्र भोपाल सोलनकुरे कुंडल।